हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नेचुरल हेयर कलर शेयर करने वाली हूं जो मार्केट वाला नहीं है, अपनी किचन से बनाया हुआ है। ये देखिए, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये हेयर कलर बालों को काला तो करेगा, साथ में बालों को मजबूती भी देगा और बालों को घना भी करेगा। तो इसको बनाने से पहले बात करते हैं कि ये हेयर कलर क्यों अच्छा है, क्यों हमें चाहिए और क्यों मैंने बनाया है। मेरे पास बहुत बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बच्चे के बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, उसके लिए क्या किया जाए। बालों का सफेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक उम्र के बाद बाल सफेद हो जाते हैं। जैसे मैं अगर एशियन कंट्रीज की बात करूं तो 40 के बाद लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बालों का सफेद होना अगर 30 की उम्र से पहले स्टार्ट हो जाए तो ये परेशानी का कारण होता है। तब ये चिंता का विषय बन जाता है कि इतनी जल्दी बाल सफेद क्यों हो गए। टाइम से पहले तो कोई बूढ़ा दिखना नहीं चाहता है, और तब उनको छुपाने के लिए केमिकल डाई यूज की जाती हैं, जो कि और ज्यादा नुकसान कर देती हैं। अगर एक बार डाई लगाना शुरू किया ना, तो फिर जितने काले बचे हुए थे वो भी सफेद हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि ये बाल सफेद होते क्यों है। जैसा कि एक कारण तो मैंने बताया, उम्र के साथ साथ होते हैं। एक कारण है जेनेटिक, कि आपके परिवार में ही ऐसा कुछ है कि सबके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, तो उस कारण से आपके भी सफेद हुए। दूसरा हो सकता है स्ट्रेस, कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे हैं तो भी बाल सफेद हो जाते हैं। फिर खान पान कैसा है, डाइट का बहुत असर पड़ता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी और बालों के हेल्थ पर भी। कई बार ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी बाल सफेद हो जाते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है कि आपकी बॉडी ही उन सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है जो बालों के कलर को सही रखते हैं। हमारे बालों के फॉलिकल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको मेलेनिन कहते हैं, जो बालों को कलर देता है। कईयों के बाल ब्राउन होते हैं, कईयों के ब्लैक होते हैं, कईयों के बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं। तो जो भी कलर बालों का होता है वो उस मेलेनिन के कारण होता है। लेकिन अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट हो जाए तो उस मेलेनिन को खराब करती है, और जब वो खराब होता है तो बाल ग्रे हो जाते हैं। थायराइड डिसऑर्डर के कारण भी बाल खराब हो सकते हैं, बालों का कलर, बाल पतले भी हो सकते हैं और बाल व्हाइट भी हो सकते हैं, या किसी मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तब बाल सफेद होते हैं। इस डेफिशिएंसी को कहते हैं परनिशियस एनीमिया, और जब किसी को ये होता है तो बालों को नुकसान सबसे पहले होता है, बाल सबसे पहले सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बालों को सही रखना है तो इन कारणों को दूर करना होगा, डेफिशिएंसीज का पता लगाना होगा, अगर पता चल जाए तो उसको इम्प्रूव करना होगा। नॉर्मली ये होता है कि अगर हम अपनी डाइट पर ध्यान दें तो हमें बाकी सब परेशानियों से हम बच सकते हैं। अगर डाइट पर ध्यान दें तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, जो हमारी पूरी हेल्थ को भी अच्छा रखेगी। ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बॉडी के अंदर अगर कोई फ्री रेडिकल्स भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको निकाल बाहर करने में हमारी मदद करें। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी एल्कलाइन रहती है और उसका जो पीएच लेवल है वो सही बैलेंस में रहता है, जितना कि होना चाहिए। आयरन रिच, कॉपर रिच फूड आइटम्स खाने चाहिए, फास्फोरस वाले फूड आइटम खाने चाहिए। तो अगर हम ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं तो हमारी डाइट सही होती है, और वो सही डाइट जो है वो बालों को भी सही करती है। सारी कोशिश के बाद भी कई बार पॉल्यूशन के कारण या कई बार पानी के कारण, कई जगह का पानी बहुत हार्ड होता है जो बालों को नुकसान कर देता है। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है तब ये पैक बहुत काम आता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये पैक में हमने जो घर में ही चीजें हैं वो ही यूज की हैं, तो फिर उसका नुकसान का कोई ऐसा चांस नहीं रहता कि आपके बालों को कोई फर्दर नुकसान हो जाएगा। इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं आप सब जानते हैं। आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ में शैम्पू यूज किया है। तो शैम्पू तो आप करते ही होंगे, बस आपने करना ये है कि जितना शैम्पू आप यूज करते हैं उतना शैम्पू इसमें मिलाना है और इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करना है। ये बहुत ठीक आपको दिख रहा है ना, तो लगाने से पहले उस कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा पानी मिलाना होगा, और बस आपका काम हो गया। तो चलिए देखते हैं ये बनाना कैसे है। ये बनाने के लिए हमें चाहिए आंवला पाउडर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून चाहिए कॉफी पाउडर। ये आंवला देखिए, हमने पहले ऐसे घर में ही सुखा लिया था, ये साबुत आंवला मैं आपको दिखाती हूँ, और सूखने के बाद इसको तोड़ दिया
और ग्राइंडर में डाल के पीस दिया तो पाउडर बन गया। बस ये दो चीज़ लेनी है और इसके बाद एक इंग्रेडिएंट और लेंगे, वो जो बाद में मिलाएंगे। दोनों को एक बॉल में डाल के, और इसमें जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, जो भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, वो शैम्पू इसमें मिलाना है और उतनी क्वांटिटी में मिलाना है जितना आप एक बार में यूज़ करते हैं। ये अगर आप सिर्फ स्कैल्प पे लगाना चाहते हैं तो इतना काफ़ी है, अगर पूरी लेंथ में भी लगाना है तो थोड़ा सा और ज़्यादा दोनों चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, 1.5 टेबल स्पून ईच लेना पड़ेगा। और इसको मिलाते जाएं, धीरे धीरे मिलेगा, ये एकदम से नहीं मिलेगा। जब आपको लगे कि हाँ मिल गया है, तब इसमें ये देखिए मेथी दाना, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए भी और हेयर हेल्थ के लिए भी। इसको भी ग्राइंड कर लिया और इसका भी पाउडर, 1 टीस्पून पाउडर इसमें मिलाना है। और बस सब चीज़ों को मिला के आप 4-5 घंटे के लिए इसको, या ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, छोड़ दें ताकि जो आंवले का कलर है वो इसमें अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। आंवला और कॉफ़ी दोनों हेयर को कलर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। मेथी हेयर को हेल्थ देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी आपके शैम्पू में, तो ये शैम्पू जो है एक हेयर टॉनिक की तरह बन जाएगा, और ये टॉनिक बालों को मजबूती देगा, कलर तो देगा ही देगा। कलर इससे जो आपके अर्ली ग्रेइंग के कारण कहीं कहीं बाल सफ़ेद हो गए वो सारे छिप जाएंगे, और बालों को हेल्थ भी मिलेगी और बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हेयर डाई है जो घर में आसानी से बनाई जा सकती है और घर में आसानी से लगाई भी जा सकती है। है ना आसान बनाना, बन के तैयार हो गया, और बस करना इतना है आपने 4-6 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है बना के, और बस जब सिर धोना है तो 5-10 मिनट के लिए इसको सिर पर रखें, और अगर हो सके तो इस तरीके से मसाज भी हल्की हल्की करें तो सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसको नॉर्मल शैम्पू की तरह अपने बालों को धो लें, बस हो गया काम। इस नेचुरल डाई से आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, और क्योंकि ये न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छा है तो बालों की हेल्थ और वॉल्यूम भी बढ़ाएगा ये। तो आप अपने बालों को सही रखिए, अच्छा रखिए, घना रखिए, और इनको वाइट ना होने दें समय से पहले, ऐसा रखिए। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे चैनल वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको भी लाइक करें, क्योंकि वो जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज एंड एजुकेशनल स्टोरीज, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं चाहती हूं कि उनसे मिलने वाली छोटी छोटी सीख बहुत लोगों तक पहुंचे, और वो तभी संभव है जब आप लोग मदद करेंगे, आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ बांटेंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इस कोशिश में मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।